All right. Now, the accused, Sajid's father and uncle, have been detained by Badayun police, who are currently probing this incident. Sajid's father has expressed deep remorse over this tragic incident, emphasizing that the loss of two innocent children weighs heavier on his heart than his own son's encounter. साजिद के बारे में बताएंगे, साजिद क्या गुस्सेल था, उसने ऐसा क्यों किया? गुस्सा वाला तो था ना, था गुस्से वाला नहीं था ना। जावेद जो घर पे था, ये दोबारा गया, क्या नाम, फोन कर रहा, किसी ने बुलाया है तो। कितने बजे तक जावेद यहाँ पे था? जावेद तो शाम तक घर पे ही था। तो हम बदायूं से आए तो जावेद ने और उसकी अम्मा ढूंढ रहे हैं कि किसी से लड़ाई होगी साजिद से। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गया, पता ना किसने बुलाया फोन करके, वहाँ लड़का ने। कितने बजे की बात रही होगी? जी करीब 7 बजे की बात है। अच्छा, मतलब साजिद के संग जावेद नहीं था ना, वो तो घर पे था जावेद। लेकिन आपको पता होगा कि उसका भी नाम आ रहा है। हाँ, नाम तो अब क्या बताऊं साहब। तो आपको यकीन हो गया कि आपके बेटा ये काम कर सकता है? साहब, हमें तो यकीन नहीं हो रही, किसी के साथ हम बैठ के नाम कुछ भी करा हो, ये हम नहीं कह सकते। वो इस तरीके का था नहीं। कैसा था साजिद? वो तो हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, वो तो इस तरीके का था, हमें नहीं लग रहा था कि ऐसा काम करेगा वो। जो 2 बच्चे खत्म हो गए, हाँ। आपको जानकारी मिली होगी, उनकी हाँ। उम्र बहुत छोटे छोटे बच्चे हाँ। थे, एक 6 साल का था, एक 13 साल का। ये साहब गलत हुआ, इसका तो बहुत ज्यादा हमें अफसोस है। अपने लड़के के मरने का नहीं है, उनका अफसोस ज्यादा है। इस तरीके का जो था नहीं, अब बताना ये इसमें क्या हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते साहब, मालूम ही नहीं है हमें, बताएंगे क्या।